हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़क्लिक. आई एम परंजॉय गोहा ठाकुरता और मेरा साथ आज स्टूडियो में श्री महेश व्यास है. महेश व्यास इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. और आज भारतवर्ष के जो अर्थव्यवस्था है और ये जो बेरोजगारी का जो समस्या है, इस विषय के ऊपर मैं बातचीत करूंगा. महेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. एक चीज़ बताइए, ये जो पिछले सारे चार साल में जो आपका संस्था CMI जो सूचना आपने इकट्ठा किया, ये बेरोजगारी का समस्या कितना बड़ा है? क्योंकि पिछले UPA सरकार के समय भी लोग कह रहे थे जॉबलेस ग्रोथ, और आज क्या हम स्थिति देख रहे हैं? ये भी जॉबलेस ग्रोथ है और सचमुच कुछ क्षेत्र में देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गया and people actually have lost their jobs. What is the big picture? बेरोजगारी की समस्या तो है और काफ़ी गंभीर है, और पिछले चार सालों में ये ज़्यादा गंभीर होती जा रही है. और इसका मूल कारण ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए इकोनॉमी में, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. यानी कि निवेश नहीं हो रहा है. निवेश नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र और सरकार दोनों. तो निवेश में प्राइवेट कंपनीज और सरकारी कंपनीज दोनों ने निवेश करना, उसकी गति कम हो गई है और गति काफ़ी कम हो गई है. और जो हम इसका निरीक्षण करते हैं, हम ये पाते हैं कि दोनों क्षेत्रों से नए प्रोजेक्ट्स का जो अनाउंसमेंट होता है वो बहुत कम हो गया है. उसके कम होने से कुछ सालों में पता चलता है कि नई कैपेसिटीज़ क्रिएट नहीं की जा रही है. यू आर सेइंग द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स इज नॉट हैपनिंग, नॉट जस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, एम आई करेक्ट? तो इम्प्लीमेंटेशन की जो रफ्तार है वो तो कम हुई ही है. और जैसे इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार कम हुई और लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में एक स्लोनेस, एक कमी लगाई, तो वाजिब है कि वो नया प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे. अगर जो हाथ में प्रोजेक्ट्स है उन्हीं को यदि पूरा नहीं किया जा रहा है, तो नए प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट करने का क्या मतलब हुआ? तो अक्सर ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कभी कोई मिला कर लेती है, इन्वेस्टमेंट फेस्ट कर लेती है. वहाँ पर गुजरात सरकार तो वाइब्रेंट गुजरात के बाद, हाँ, तो हर दूसरे साल गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात करती है. और वैसे कई और सरकार भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो ऐसे मेले का आयोजन करती हैं. उसमें उद्योगपति आते हैं और बोलते हैं कि MOU, इतना लाख करोड़ का MOUs, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम दस्तखत किया. हाँ, फिर बाद में पता चलता कि बहुत इसका जो MOUs जो बताते हैं इसका बहुत ही छोटा हिस्सा सचमुच लागू होता है. तो वो क्या हो गया, आजकल इवेंट करने का दौर है, तो एक प्रकार से एक माहौल बनाया जाए कि लोग हमारे प्रदेश में आकर के निवेश कर रहे हैं और यहाँ पर अब उन्नति आने वाली है. लेकिन आप इस चीज़ को एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुश्किल हो जाता है. तो पहले इन इवेंट्स का काफ़ी डेटा मिलता था, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट नाम मिलता था, उसका कॉस्ट मिलता था. अब क्या हुआ है कि सरकार ने पैकेजेस बना दिए हैं, एक प्रकार से उसकी नीलामी होती है कि यहाँ पर एक फला फला प्रोजेक्ट बना देंगे, आप चाहो तो आप इसे लगा लो. तो ये प्राइवेट सेक्टर से इनिशिएटिव नहीं है, ये सरकार से एक इनिशिएटिव है, आमंत्रण देने का प्राइवेट सेक्टर को कि आओ तुम हमारे प्रदेश में इन प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगाओ. तो जब तक प्राइवेट सेक्टर से वो इनिशिएटिव नहीं आएगा नया प्रोजेक्ट्स करने का, तब तक हम ये नहीं मान सकते. सिर्फ कागज में रहेगा ये सारे प्रोजेक्ट, जो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स, कि मुझे प्रोजेक्ट लगाना है, बड़े प्रोजेक्ट लगाना है. वो जोश जब तक नहीं आएगा तब तक नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे और जॉब्स नहीं आएंगे. महेश जी, अगर आपने अभी अभी जैसे कहा इवेंट्स, और लोग कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत विश्व का सबसे बड़ा सबसे अच्छा इवेंट मैनेजर है, मगर अगर आप तुलना करेंगे ये पिछले जो साढ़े चार साल जो मोदी सरकार का समय, और अगर इसके साथ अगर
यूपीए 2 यूपीए 1 के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो ये जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे आप तुलना करेंगे? जॉब्स के बारे में हमने मॉनिटरिंग शुरू किया, उसको नापना शुरू किया जनवरी 2016 से, तो उसके पहले के हमारे पास जॉब्स के डेटा नहीं है, तो हम केवल पिछले 2-2.5 साल के बारे में बात कर सकते हैं, 2016, 17 और 18 के कुछ महीनों के बारे में। लेकिन उसके पहले यूपीए 1 यूपीए 2 के सरकार के समय में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हो रहा था, और चूंकि इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था तो जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कंपनीज ने कितने जॉब्स क्रिएट किए, तो यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार के समय जॉब क्रिएशन कंपनीज में 3.5% 3.3% के आसपास हर साल ग्रोथ होती थी। ये सिर्फ निजी क्षेत्र में आप कह रहे हैं? नहीं, ये कंपनीज पूरा, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बारे में कह रहे हैं। कंपनीज में 3.5% के आसपास ग्रोथ होती थी। और आपका जो संस्था है सीएमआई, लगभग 1000 कंपनियों का आपने सूचना आप इकट्ठा करते हैं? 1000 कंपनीज कम से कम ऐसी हैं जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा पेश करती है। इनकी संख्या अब 3000 हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है। सीएमआई का डेटाबेस के अंदर तो 50,000 कंपनीज का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें से केवल 3000 कंपनीज का एम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है। तो मैं कह रहा था कि यूपीए के समय 3-3.5% से जॉब्स ग्रो हो रहे थे, वो मात्रा बहुत घट गई है अभी। तो पिछले 3 सालों में जिसका डेटा मिलता है वो बहुत कम हो गया, 0 हो गया है, 2% हो गया है। नेगेटिव भी हो गया, क्योंकि अभी देखिए ये जो अंग्रेजी में कहेंगे एनेक्डोटल एविडेंस, कि कुछ बड़े बड़े जो क्षेत्र है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, टेलीकॉम सेक्टर, ये ऐसे दो सेक्टर कुछ सालों से बहुत नए नौकरी आ रहे थे, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत तीव्र गति से इसका रफ्तार जिस तरह से निवेश हो रहे थे बढ़ रहे थे वो तो कम हो गया। और बहुत आपके पास कैसा सूचना है कि ये जैसे दो क्षेत्र के बाद हम कर रहे हैं आईटी और टेलीकॉम, यहाँ के नौकरी घट क्या है? Has there been substantial job losses? नेट बेसिस पे घटा नहीं है, घटा है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में घटा है, और ये पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे पहले, वो काफ़ी कम हो गए, तो वहाँ पर कमी हुई है एम्प्लॉयमेंट में। क्या होता है कि अगर एक कंपनी पहले 100 लोगों को लगाती थी एडिशनल, और अब अगर सिर्फ वो 10-15 लोगों को लगाती है, तो उसका असर काफ़ी पड़ जाता है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं या कम हो रहे हैं और सिर्फ 10-15 लोग ऐड हो रहे हैं, तो नेट बेसिस पे वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने हर समय किसी न किसी को नौकरी तो मिलती ही है, अगर हम केवल वो गिनेंगे तो लगेगा ग्रोथ है, लेकिन उसको नेट करना चाहिए, फिर ग्रोथ नहीं दिखती है। नहीं महेश जी, सरकार कुछ सालों से कह रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ रहा है, और कुछ सरकारी अर्थशास्त्री इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो सूचना है, जो डेटा है, वो बढ़ गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज ईपीएफ अकाउंट्स खाता खोल दिया। और उनका कहना है, देखो ये एक सबूत हमें मिल रहे हैं, दिस इज़ एविडेंस कि जॉब क्रिएशन हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, पहले उन्होंने कहा था कि देखिए ईपीएफओ का डेटा देखते हैं तो काफ़ी जॉब्स जनरेट हुआ था, घोष एंड घोष इकोनॉमिस्ट ने भी इसका एक एनालिसिस किया था, बताया था कि 7 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इन इकोनॉमिस्ट ने अपनी राय बदल दी है, ये बात माननी चाहिए कि अब वो कहते हैं कि ये न्यू जॉब क्रिएशन नेसेसरली नहीं है, ये न्यू एनरोलमेंट है। तो कुछ हद तक वहाँ पर करेक्शन हुआ है, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि ईपीएफओ का जो डेटा है उससे ये नहीं पता चलता है कि कितना एडिशनल जॉब्स क्रिएट हुआ है, सिर्फ ये पता चलता है कि ईपीएफओ रजिस्ट्रेशंस बढ़ गए हैं। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन इसलिए बढ़ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में केवल 19 लोग काम करते थे पहले, अब 20 या 21 लोग काम करते हैं, तो सारे 20 लोगों को रजिस्टर करना होता है, लेकिन 20 लोगों का नया एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट केवल 1-2 का हुआ है। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमें ये नहीं
कहना चाहिए कि ईपीएफओ का डेटा एम्प्लॉयमेंट का डेटा ये एक बात है, दूसरी बात है ये एक बहुत छोटा क्षेत्र है। हमारा देश बहुत बड़ा है, ईपीएफओ इसका इतना छोटा क्षेत्र है कि अगर तुम बाकी जगहों में देखो तो आप जो करके संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और 90% अनऑर्गेनाइज है। तो देखिए आपका जो सीएमआई का जो हाउस होल्ड सर्वे है, लगभग आपने 172,000 हाउस होल्ड्स को आपने रेगुलरली सर्वे करते हैं। एक तरह से जो सरकारी संस्थाएं एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन उससे भी ज़्यादा है, मगर आप लोग एक सवाल पूछते हैं, दो सवाल पूछते हैं, 10 तक जाते हैं। एनएसएसओ इसी जो सवाल पूछते हैं 100 सवाल पूछते हैं। तो किस तरह से आपका जो सूचना है सीएमआई का डेटा और एनएसएसओ लेबर ब्यूरो भारत सरकार का श्रम मंत्रालय का डेटा आप तुलना कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सीएमआई का डेटा है ये साफ कह रहा है कि डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 नोटबंदी के बाद जो लेबर फोर्स है पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स है ये काफी कम हो गए हैं। इस विषय के ऊपर आप जरा समझा दीजिए। तो हमारा सर्वे जो है वो एनएसएसओ के सर्वे के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो एनएसएसओ का सर्वे होता है तकरीबन 1,00,000 घरों में, हमारा सर्वे होता है जैसे आपने बताया 172,000 घरों में होता है। तो एक बात तो यह है कि हमारा सर्वे बड़ा है, दूसरी बात यह है कि हम इस सर्वे को हर 4 महीने में करते हैं। सरकारी सर्वे जो है 5 साल में एक बार होती है, अब कहते हैं कि हर साल होने वाला है लेकिन वो तो अब देखा जाएगा। हमारा सर्वे फास्ट फ्रीक्वेंसी का है, हर चार महीने में हम पूरे 172,000 घरों में जाकर के पूछते हैं कि क्या आपके घर में लोग काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, या कोई किसी प्रकार का रोज़गार करते हैं कि नहीं करते हैं, 15 साल के ऊपर के हर लोग का। अब हमारा जो प्रश्न है वो बहुत सीधा है, तो उसका उत्तर देना बहुत आसान है। हम केवल ये पूछते आपको हैं, लंबा समय तक याद नहीं करना पड़ता। हाँ, जो कहते हैं कि रिकॉल। तो एनएसएसओ का सर्वे जो है वो ये पूछता है कि पिछले 365 दिनों में कितने दिन आपको नौकरी मिला था, कुछ काम किया, नौकरी की कि नहीं। अब जो बेरोजगार होता है उसको कैसे याद रहेगा सही ढंग से कि 365 दिनों में क्या हुआ। अब आप फिर पूछते हैं वहाँ पर एनएसएसओ के सर्वे में कि आपने पिछले 7 दिनों में किन कामों में कितना समय बिताया। मैं अगर आपको भी पूछूं तो आप अपनी डायरी देख करके भी नहीं बता सकेंगे कि आपने किन कार्यों पर कितना समय बिताया। हमारा जो प्रश्न है बहुत सीधा साधा है, ये बताइए कि आपने कुछ नौकरी या कोई किसी भी प्रकार का रोजगार किया कि नहीं, जहां पर आपको किसी भी प्रकार की तनख्वाह तो आप मिली या नहीं। आपका कह रहा है कि ये सवाल जो दिहाड़ी में काम करते हैं डेली वेज लेबर है, और जो असंगठित क्षेत्र में है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके लिए ये सारे सवाल का जवाब देना आसान बहुत है। आसान है उनको। यदि आप नौकरी करते हैं, सही नौकरी करते हैं, तब तो आसान है ही, लेकिन अगर आप दिहाड़ी है तभी पता चल जाता है कि आप वाकई में एम्प्लॉयड है कि नहीं। और इस सरल तरीके से पूछने से और बड़े पैमाने पर पूछने से हम एम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन और सही ढंग से कर सकते हैं। महेश जी, मैं वापस जा रहा हूँ जो सवाल अब मैंने उठाया आपसे, नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन। सीएमआई का आंकड़ा बताते हैं कि लगभग 1 करोड़ से 1,20,00,000 लोगों को नौकरी चला गया था नोटबंदी का 4 महीने के बाद। बाद में इन लोगों को नौकरी मिला। तो कैन आई से दिस इज एन एक्यूरेट एस्टिमेट दैट इमीडिएटली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन between 10 and 12 million people in India lost their jobs, and they are people जो सबसे जो कमजोर समाज के सबसे कमजोर क्षेत्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो कृषक है, इन लोग के ऊपर, और ये छोटे व्यापारी हैं जो दुकान चलाते हैं, इन लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। यहाँ पर एक टेक्निकल सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 मिलियन या 1.25 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, ये एक प्रकार से गलत होगा कहने के लिए। ये कहना सही होगा
कि जितने लोगों के पास नौकरी थी पहले डीमोनेटाइजेशन के पहले और जितने लोगों के पास नौकरी बाद में थी, उसमें 1.25 करोड़ के आसपास की घटत है। हाँ, आप टेक्निकली समझाया कि नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के पहले जितनी नौकरियां थी और उसके बाद जितनी थी, उसमें करीब 1.25 करोड़ की घटत है। अब ये है कि कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ लोग जो आकर के नौकरी नहीं ले सकते थे, जैसे नए यंग लोग जो हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिली। अब आप कह रहे हैं कि आपका जो आंकड़ा है, ये जो नोटबंदी के ऊपर, ये दो हिस्से लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, एक है युवाओं और दूसरे हैं महिलाएं। इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत समझाइए हमें। महिलाओं पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। तो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद में यदि नौकरियां कहीं कम हुई है, तो वो केवल महिलाओं पर हुआ है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग फाइंडिंग है, बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत बहुत चिंता का विषय है कि महिलाओं पर ही कैसे इतना बड़ा असर पड़ा। और ये फाइंडिंग केवल एक सर्वे में नहीं है। हमने देखा कि जनवरी टू अप्रैल 2016 में जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी महिलाओं की, उसके 4 महीने बाद, मतलब मई से लेके अगस्त 2016 में, महिलाओं ने एम्प्लॉयमेंट की का एफर्ट ज़्यादा किया। अच्छा। मतलब लेबर पार्टिसिपेशन उनका बढ़ गया 2016 के पहले 4 महीनों के मुकाबले नेक्स्ट 4 महीनों में, जैन अप्रैल के बाद में मई अगस्त में, तो बढ़ गया। उसके बाद नवंबर 16 में डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद जो बढ़ रहा था फीमेल पार्टिसिपेशन, वो घट गया। कितना कम हो गया, एक अंदाज दे सकते हैं? वो नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी कम हुआ। 1 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास हो सकता है? मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हुआ। उसके एक साल के बाद तक 1 करोड़ से अधिक तो निश्चित है। अच्छा, ठीक है। नहीं, लेकिन हर बार जब हम गए पूछने के लिए, हर बार ये पाया कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन रेट है वो घटती जा रही है और मर्दों की नहीं घट रही है। अच्छा, तो कुछ सरकारी, आज जो प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार है, जैसे सुरजीत भल्ला जी, जैसे डॉक्टर राजीव कुमार जी, उनका कहना है कि ये और सारे कारण हो सकते हैं। महिला आजकल कॉलेज में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, स्कूल में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, शिक्षा मिल रहा है, ये कारण हो सकता है कि इतने महिलाओं का जो तो क्या नोटबंदी के बाद ही पढ़ना था क्या इनको? उसके पहले तो नहीं था, उसके पहले तो बढ़ रहा था। बट दिस इज द लॉजिक दे आर यूजिंग। वेल, यू शुड आस्क देम फॉर द आंसर। अच्छा जी, तो आपका कहना है कि ये इसका असर डायरेक्टली बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डेटा से तो ये साफ है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल महेश जी, आपने सरल भाषा में काफ़ी कुछ समझा दिया, मगर ये जो हमारा प्रधानमंत्री कहेंगे, कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नया नौकरी आ गए, फिर वो कम होके 1 करोड़ हो गया, तो हम लोग आज 4.5 साल के बाद कहाँ पे हैं? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। 2 करोड़ के बाद, मगर 1 करोड़ प्रधानमंत्री होने के बाद भी कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा एक प्रकार से एस्पिरेशंस बढ़ाने की बात करते हैं, एक प्रकार से लोगों का को उत्साहन बढ़ाने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई उसमें उसको लेकर के नहीं बैठना चाहिए हमें। ये तो बात ठीक है कि 1 करोड़ नौकरियां बननी चाहिए, 2 करोड़ भी बननी चाहिए, और कुछ विश्वास दिलाएंगे कि हम करने की कोशिश भी करेंगे और वो कोशिश करते भी हैं। और लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम टेक्निकल है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इकोनॉमिस्ट के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो कहेंगे हमें इतनी जॉब्स की, इतनी नौकरियों की ज़रूरत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सवाल बहुत बार उठाया, और एक बार एक साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी जी कहा कि ये सारे जो आंकड़ा है नहीं आते, क्योंकि वो आज सब लोग कहते हैं, वो पकौड़ा का उदाहरण जो दिया कि हाँ कोई पकौड़ा बेच रहा है, इसके मतलब आपको आंकड़ा में, आपका सूचना में नहीं आ रहा है कि ही इज़ बीन एम्प्लॉयड, बट वो जो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, इसके बारे में कुछ कहिए आप। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की भी गिनती हमारे सर्वे में होती है।
आप यदि सरकारी नौकर हैं, आप किसी सरकारी दफ्तर में सेक्रेटरी हैं, या आप पकोड़े बेच रहे हैं, या आप कोई ठेला चला रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हों, हम हर घर में जाकर के पूछते हैं कि आप किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं कि नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्यों ना हो, आप खेत में काम कर रहे होंगे, महिलाएं खेत में बहुत काम करती हैं। जो प्रधानमंत्री कहने की कोशिश कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि लोग पकोड़े भी बेचते हैं, और एक प्रकार की वो कह रहे कि वो भी गर्व की बात है कि लोग मेहनत से काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, और हम हर चीज़ को गिनते हैं, लेकिन समस्या बड़ी है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर इकोनॉमिस्ट का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए और निवेश होना बहुत जरूरी और निवेश होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच महेश व्यास फॉर गिविंग अस योर टाइम। और ये जो बेरोज़गारी, ये जो नौकरी, इस विषय के ऊपर महेश व्यास, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेरे से बात कर रहे थे। Thank you for being with us on this program.